डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या फिर कंसेप्ट ऑफ फोटोन। देखो, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है ये साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने दी थी। मैक्स प्लांक, इनका कहना ये था कि कोई भी जो रेडिएशन होता है, जैसे ये कोई एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, इससे रेडिएशंस एमिट होंगे और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इनका कहना ये था कि जो रेडिएशंस का इमिशंस होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड होता है। मतलब ये है कि रेडिएशन का जो इमिशन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। जैसे एक रेडिएशन गया, उसके बाद दूसरा रेडिएशन जाएगा, तीसरा रेडिएशन जाएगा, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, ध्यान समझो। यहाँ पर दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है क्वांटाइज्ड। देखो, कंटिन्यूस होता है जो कंटिन्यू हो। जैसे मास जो होता है वो कंटिन्यूस क्वांटिटी है। लाइक मास की वैल्यू 10 केजी हो सकता है, उसके बाद 10.1 केजी हो सकता है, 10.2 केजी हो सकता है, 10.8 केजी हो सकता है, 11 केजी हो सकता है, 12 केजी हो सकता है, पॉसिबल है मास। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम बात करें, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी क्लास की अगर हम बात करें तो ये क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो 60 होंगे या 65 होंगे या 61, 62 ऐसे हो सकते हैं। बट कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 60.5 हैं, क्लियर है। तो ये होता है क्वांटाइज्ड, मतलब 60 के बाद 61 हो सकता है, 2 हो सकता है, 63 हो सकता है, बट 60.5 नहीं है, क्लियर है। जबकि ये जो मास है ये कॉन्टिन्यूस है। देखो 10 के बाद आप चाहो तो 10.0001, ये भी मास की वैल्यू पॉसिबल है, ये भी है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस होता है और ये है क्वांटाइज्ड। जैसे 60 के बाद फिर 61 ही होगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगा, क्लियर है। तो ये होता है क्वांटाइज्ड। तो ऐसे ही जो रेडिएशन का एमिशन है वो क्वांटाइज होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस, क्लियर है। एब्जॉर्प्शन भी क्वांटाइज होगा, इमिशन जो है रेडिएशन का वो भी क्वांटाइज होता है। मतलब ये था उनका कहना कि जो लाइट सोर्स है इससे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स एमिट होते हैं, एक पैकेट, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट आएगा, फिर तीसरा पैकेट आएगा, क्लियर है कि नहीं। और उन एनर्जी के पैकेट्स को हमने बोला फोटोन। क्या कहते हैं भाई उसको, फोटोन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट सोर्स है उससे फोटोन्स एमिट होते हैं। फोटोन्स मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन, क्लियर है भाई। तो इस लाइट सोर्स से छोटे छोटे फोटोन्स, सॉरी जो फोटोन्स हैं वो एमिट्स होते हैं। फिर मान लो ये लाइट किसी मेटल सरफेस पे जा रही है, तो इस मेटल सरफेस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी, एक फोटोन को, फिर उसके बाद दूसरे फोटोन को, तीसरे को, इस टाइप से एब्जॉर्ब करेगी, क्लियर है। तो ये था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर है भाई। उनका कहना यही है कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन है लाइट का, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन, क्लियर है। तो लाइट सोर्स से फोटॉन्स एमिट होंगे। अब ये जो फोटॉन्स होते हैं या पैकेट होते हैं एनर्जी के, इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी इसकी एनर्जी, क्लियर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो E इक्वल्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट एच आता है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक कॉन्स्टेंट, क्लियर है भाई। तो हियर H equals to Planck constant, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 into
टेंस टू पावर माइनस 34 यूनिट होता है इसका जूल इनटू सेकंड। यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, देखो एनर्जी का तो होता है जूल, और ये फ्रिक्वेंसी का होता है सेकंड इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगी तो सेकंड बन जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट। अगर हम ग्राफ की बात करें ईएमई और फ्रिक्वेंसी में, जो ग्राफ बनता है एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में, एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे एनर्जी। तो ये ग्राफ अपने को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ध्यान रखना एनर्जी जो होती है फोटोन की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एच न्यू। क्लियर है भाई? ओके। उसके बाद इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी मास इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन या मास एनर्जी रिलेशन रिलेशन या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो एनर्जी मास रिलेशन ये होता है इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास, ई द एनर्जी एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्लियर है? तो ये एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है, दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। तो यहां से देखो क्या आता है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू, दोनों के आर एच एस को इक्वल लिख देंगे बिकॉज एल एच एस इक्वल है। तो यहाँ से देखो, और अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है सी अपॉन लेमडा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया सी बाई लेमडा, तो हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम सी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। देखो ये मास है, ये वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो यहाँ पे पी तो क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, और लेमडा है वेवलेंथ एसोसिएट विद फोटोन, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। तो यहां से आप ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक चीज ध्यान रखना, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। क्लियर है भाई? और लैम्डा जो प्रॉपर्टी है ये है वेव की। तो इस इक्वेशन में हम पार्टिकल नेचर और जो वेव नेचर है दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कहने मतलब ये है। तो ये वही इक्वेशन है जिससे अपने को जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है उसका आइडिया आया था, क्योंकि देखो यहाँ पर मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है किसी भी पार्टिकल के पास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पार्टिकल नेचर है तो फिर उसके पास वेव नेचर भी होती है। क्लियर है? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको याद रखना है अपने को। थैंक यू। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो फोटोन होता है, तो फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन का जो मास होता है रेस्ट मास, दैट इज जीरो। मतलब ये है कि हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि फोटोन है, बिकॉज रेस्ट कंडीशन में वो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ही वो मूव करता है तो फिर उसमें मास आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आइंस्टीन ने अपने को बताया था कि जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू एम नॉट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? ये हम चैप्टर फर्स्ट में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मास इंक्रीज होने लग जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ध्यान रखना रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। थैंक यू।